आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ्स को, और क्यों ग्राफ्स को हम लोग इस्तेमाल करें ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ग्राफ्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनको इस्तेमाल क्यों करना है, ये सारे के सारे सवाल हम लोग देखने वाले हैं। इन सवालों को जवाब इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो ग्राफ होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। देखो यार, अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वो या तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। ग्राफ एक तरह का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ये आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो एरे, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक जो है वो आता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद BST और AVL ट्रीज जो हैं वो नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर हैं, यानी कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ग्राफ जो है वो एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, ये भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन ये ग्राफ होता क्या है ये आप लोग सोच रहे होगे अभी, और मैं आप लोगों को बताता हूँ ग्राफ क्या होता है। इट्स सिंपली अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड थ्रू एजेस, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊँ और इसको कनेक्ट कर दूँ इससे और इसको कनेक्ट कर दूँ इससे, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नोड्स हैं। इनको वर्टिसेस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टिसेस भी कहते हैं इनको। और उसी के साथ साथ ये क्या है, ये हमारी एजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी से कलर चेंज कर लेता हूँ, एजेस हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है इसको मैं येलो से करता हूँ, ठीक है। एजेस, ये नोड्स या फिर वर्टिसेस, इसको नोड्स भी कहते हैं, वर्टिसेस भी कहते हैं, और ये चीज़ हमारी एजेस हो गई। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से दिखाया आपको ये ग्राफ किस तरह से दिखता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, अगर आप लोग देख रहे हो तो ये ग्राफ ही है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बात बताऊं तो वो ये है कि जो ट्री होता है हमारा, जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है वो भी एक तरह ग्राफ ही होता है। अब आपको यार ये क्या कन्फ्यूज़न वाली बात यहाँ पर मैं सामने लेकर आ रहा हूँ, ये कैसा खुलासा है, तो यार यही खुलासा है भाई। देखो ये जो होता है ये भी कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस है, तो ट्री भी एक तरह का ग्राफ ही है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था। हालांकि हम लोग यहाँ पर अब जल्दी से इस ग्राफ को देखेंगे और ये समझेंगे कि क्या चीज़ क्या होती है और क्यों होती है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये क्या है, ये है नोड्स या वर्टिसेस, या तो नोड्स हम इसे कह सकते हैं या हम इसे वर्टिसेस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो एक सोशल नेटवर्क हम लोग यहाँ पर मॉडल कर रहे हैं ग्राफ्स के जरिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 कौन होंगे, लोग होंगे, और उन लोगों का डेटा होगा, ठीक है। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो ये एक स्ट्रक्चर होगा, और ये किस तरह से कनेक्टेड है, इनके जो कनेक्शंस हैं वो क्या होंगे, वो हमारे पास एजेस होंगी, वो क्या होंगी, हमारे पास एजेस होंगी, किस तरह से कनेक्टेड है वो एजेस होंगी, और ये नोड्स होंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये एक नोड है, ठीक है, और ये एक एज है, रेड वाली नहीं, ये वाली एक एज है जो इन नोड्स को कनेक्ट कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एज 1 है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एज 2 है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये बहुत सारी एजेस हैं, एज 1, एज 2, एज 3, ठीक है, एज 3 और ये एज 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक एज 5 भी है, कोई और एज तो नहीं छोड़ दी मैंने, ये छोड़ दी, देखो एज 6, यानी कि जो भी डंडी दो नोड्स को कनेक्ट कर रही है वो एक एज है, एक एज 7 ये भी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी एजेस हैं, जो भी डंडी दो नोड्स को कनेक्ट कर रही है वो एक एज है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक एज हमारे पास ये भी हो सकती थी, है नहीं, बट हो सकती थी इस तरह से, ठीक है, तो ये भी एज हो सकती थी। तो इस तरह से जो भी हमारे पास दो नोड्स को कनेक्ट करने वाली डंडियाँ हैं वो कुछ नहीं बट एजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मली डिफाइन करेंगे ग्राफ को, कि ग्राफ होता है तो होता क्या है और इसको इस तरह से क्यों डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो एक ग्राफ जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस कनेक्टिंग दीज वर्टिसेस होता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि कलेक्शन ऑफ ये सारे नोड्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर मुझे इस ग्राफ को डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यार देखो जो मेरी वर्टिसेस हैं, जो वर्टिसेस हैं मेरी वो क्या होंगी, मैं कहूँगा वर्टिसेस मेरी यहाँ पर 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो मैं कहूँगा यार ये मेरी वर्टिसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मेरी वर्टिसेस हैं। और जो मेरी एजेस हैं वो क्या हैं, एजेस मेरी किस हिसाब से होंगी, एजेस कनेक्ट करेंगी दो वर्टिसेस को, ठीक है। तो जो एजेस की कलेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि यार एक तो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, एक 0 और 1 के बीच में है, फिर उसके बाद एक 1 और 3 के बीच में है, और फिर उसके बाद 0, 1 हो गया, 1, 3 हो गया, और इसके बाद 1, 2 हो गया, ठीक है। तो एक काम करना था मुझे कि 0 वाले पहले लिख देता, 0, 4, फिर 1 वाले लिख देता, फिर 2 वाले लिख देता, और 1, 2 हो गया, ठीक है। 0, 4 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है अभी तक, 0, 4, तो यार आप समझ गए मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। तो ये सारी की सारी एजेस है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एजेस है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई ज़रूर मैंने कोई ना कोई ऐसी एज लिखी है जो कि मैंने दो बार लिख दी है, एक्चुअली 2 to 4 मैंने दो बार लिख दिया, तो मैं ये वाली 2 to 4 को काट दूंगा। तो ये मेरे पास सारी की सारी एजेस आ गई हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात एजेस मेरे पास हैं, ठीक है। तो वर्टिसेस या नोड्स क्या होते हैं, ये वाले होते हैं, ठीक है, ये वर्टिसेस भी कहते हैं इनको, नोड्स भी कहते हैं, वर्टिसेस और नोड्स। और ये जो हमारे पास डंडियाँ हैं ये एजेस हैं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो आपको सुनने की ज़रूरत है बार बार, तभी दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। अब यूज टू मॉडल पाथ्स इन अ सिटी, सोशल नेटवर्क्स, वेबसाइट बैकलिंक्स या फिर इंटरनल एम्प्लॉय नेटवर्क, ठीक है, इस बात का क्या मतलब हो ये बताता हूँ। अब हम ग्राफ्स को यूज़ क्यों कर रहे हैं, हाँ अब एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, मार्क्स भी आ जाएंगे, डिग्री भी मिल जाएगी, नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन यार ग्राफ्स यूज़ क्यों कर रहे हैं, कहाँ पर इस्तेमाल है इस ग्राफ्स का। तो ग्राफ्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, अगर आप लोग की जॉब मान लो गूगल में लग जाती है और आप लोग गूगल मैप्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, किसी ना किसी तरीके पर, किसी ना किसी तरीके से आप लोग इस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं गूगल मैप्स पर, तो आपको ग्राफ थ्योरी सीखनी पड़ेगी और आपको सीखना पड़ेगा ये ग्राफ्स किस तरह से काम करते हैं, बेसिक एल्गोरिथम्स किस तरह के हैं। गूगल मैप्स पर काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो हो सकता है आप लोग को और ज़्यादा सोचना पड़े, तो जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स हैं वो तो आपको आनी चाहिए, उसके अलावा आप लोग को और दिमाग लगा के प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करना पड़ेगा, चैलेंजेस आएंगे। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो कि ग्राफ सॉल्व करता है वो क्या है, सबसे पहला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मॉडल पाथ्स इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर पाथ्स को मॉडल करने के लिए। फिर इसके बाद सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, जैसे कि लिंक्डइन, ये सारे सोशल नेटवर्क्स को मॉडल करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है हमारा ग्राफ्स। अब वेबसाइट बैकलिंक्स, वेबसाइट बैकलिंक्स कैसे, कि मान लो एक W1 है, एक वेबसाइट है, क्या ये लिंक करती है W2 को, क्या ये W2 को लिंक करती है, हाँ करती है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से एरो डाल दिया। क्या W2 W1 को करती है, नहीं करती है, W3 को करती है W2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं और ये ग्राफ बहुत बड़ा हो सकता है पूरे इंटरनेट के लिए, इस पर मैं वापस आऊँगा अभी, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इंटरनल एम्प्लॉई नेटवर्क। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेसबुक और लिंक्डइन ही दो सोशल नेटवर्क्स हैं जो कि यूज़ होते हैं इस दुनिया में, नहीं, और भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके अपने इंटरनल एम्प्लॉय के नेटवर्क्स बने हुए हैं और वो उसमें उसका जो ग्राफ बना हुआ है इंटरनली उसको मैनेज करते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, तो वहाँ पर ग्राफ थ्योरी यूज़ होती है। अब इसके बाद अ वर्टेक्स और नोड इज़ वन फंडामेंटल यूनिट एंटिटी ऑफ विच ग्राफ्स आर फॉर्म्ड। तो ये वर्टेक्स और नोड क्या होते हैं ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली आप लोगों के लिए, और एक एज क्या होती है ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनिकली डिफाइंड बाई इट्स टू एंड पॉइंट्स, यानी कि 1 और 2 को जो कनेक्ट कर रही है वो एक एज है, ठीक है। डायरेक्टेड एज का मतलब वन वे कनेक्शन, अनडायरेक्टेड एज का मतलब टू वे कनेक्शन। अब मैंने यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है इस एज को, इसका मतलब 0 से 1 पर भी कनेक्शन है, 1 से 0 पर भी कनेक्शन है। डायरेक्टेड एज का एग्जाम्पल फेसबुक में, अगर मैं इसको एक फेसबुक का सोशल नेटवर्क मान लूँ, तो या आप किसी के दोस्त हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के फ्रेंड हैं फेसबुक पर और वो बंदा आपको अनफ्रेंड कर दे। फ्रेंड अगर हैं आप, या तो आप उसके फ्रेंड हैं या आप नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि मैं फ्रेंड हूँ और सामने वाला कह रहा है कि मैं फ्रेंड नहीं हूँ, जैसे कि होता भी है रियल लाइफ में बट फेसबुक में नहीं होता है। तो ये एक टू वे कनेक्शन है, ये एक अनडायरेक्टेड एज है फेसबुक का, जो फ्रेंड्स वाला फीचर है वो। अब अगर मैं फेसबुक का फॉलो वाला फीचर की बात करूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फेसबुक का जो फॉलो वाला फीचर होता है, आप किसी को अनफॉलो कर सकते हो, वो आपका दोस्त है बट आप उसको अनफॉलो कर सकते हो और आप उसको चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, और वो इंसान आपको फॉलो या अनफॉलो कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपने उसको फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो फॉलो वाला फीचर है ये वन वे कनेक्शन है। तो क्या 0-1 को फॉलो करता है, मुझे इस तरह से एरो बनाना पड़ेगा। क्या 1-0 को फॉलो करता है, मुझे एक वापस से एरो बनाना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, ये डायरेक्टेड एज का एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ डायरेक्टेड एज का, मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट भी नहीं है, ये एक इंटरनेट है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इंटरनेट मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ, यार ये वेबसाइट भी नहीं है, ये इंटरनेट है, ठीक है, क्या है ये इंटरनेट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये इंटरनेट है, तो ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। अब ये जो इंटरनेट है हमारा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम W1 to W2 जो कनेक्शन है हमारा, हम उसको देख रहे हैं कि क्या W1 से W2 कनेक्शन है, क्या वेबसाइट 1 लिंक करती है, क्या वेबसाइट 1 से वेबसाइट 2 पर जाया जा सकता है। अगर हाँ, तो आपने अगर एक वेबसाइट बनाई है deepaklal.com, तो हो सकता है आप गूगल में जाएँ, ठीक है, आप google.com को लिंक करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि google.com अपने होम पेज पर deepaklal.com लगा देगा क्योंकि आपकी वेबसाइट है। तो जो deepaklal.com है ये आपकी वेबसाइट है, आप गूगल को भी लिंक करोगे, फेसबुक को भी करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है, लेकिन google.com deepaklal.com को लिंक करें। हाँ, अगर आपने अपने आप को साबित कर दिया, कुछ बना दिया बड़ा, तो शायद
दीपक लाल की वेबसाइट को लिंक भी कर सकती है गूगल, बट काफ़ी रेयर है, ठीक है। फेसबुक डॉट कॉम का भी वही कहानी है, गूगल डॉट कॉम के किसी सर्च इंजन के पेज पर फेसबुक डॉट कॉम हो सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि गूगल डॉट कॉम फेसबुक को लिंक कर रही है। काम करता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल रखता हूँ चीज़ों को, मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख देता हूँ, गूगल के होम पेज पर यूट्यूब का ऑप्शन होता है ऊपर, तो हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि यूट्यूब डॉट कॉम को लिंक कर रही है जो हमारी गूगल डॉट कॉम है, बट यूट्यूब डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम को लिंक नहीं करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब डॉट कॉम, और ये जो यूट्यूब डॉट कॉम है ये गूगल को लिंक भी कर सकती है अगर चाहे तो। हो सकता है देर इज़ अ चांस कि यूट्यूब डॉट कॉम डिसाइड करे कि यार हम गूगल डॉट कॉम को लिंक करेंगे, क्योंकि हम गूगल का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कुछ होगा तो हमें दो यहाँ पर एजेस दिखानी पड़ेंगी, एक तो हमें ये बताने के लिए दिखानी होगी कि W2 से W3 लिंक आ रहा है, एक ये दिखाने के लिए लगानी होगी कि W3 से W2 पे भी एक लिंक आ रहा है। तो अगर आ रहा है तब हम इस तरह से एक एज दिखाएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं दिखाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए कि क्या होता है डायरेक्टेड एज, क्या होता है अनडायरेक्टेड एज। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये चारों आपको एक साथ समझनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से ब्रैकेट बना देता हूँ, करली वाला एक, और यहाँ पर डायरेक्टेड एज आप लोग समझ गए वन वे कनेक्शन, अनडायरेक्टेड एज मतलब टू वे कनेक्शन। कभी भी तीर नहीं लगे हुए हैं जैसे कि इस वाले ग्राफ में लगे हुए थे, और पिछले वाला जो पिछली स्लाइड में मैंने ग्राफ आपको दिखाया था उसमें लगे हुए थे, उसका मतलब ये होगा कि टू वे कनेक्शन है। अगर तीर है ही नहीं इसका मतलब दोनों कनेक्शन टू वे हैं। तो एट दिस पॉइंट आपको डायरेक्टेड एज पता है क्या है, आपको अनडायरेक्टेड एज पता है क्या है, और उसी के साथ साथ अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। डायरेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसकी सारी एजेस जो होती हैं वो डायरेक्टेड होती हैं, इसके अंदर सारी एजेस डायरेक्टेड होती हैं। और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, इसके अंदर सारी एजेस क्या होती हैं, अनडायरेक्टेड होती हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की देरी है बस, ठीक है। तो अनडायरेक्टेड ड्राफ्ट और डायरेक्टेड एजेस, सॉरी डायरेक्टेड ड्राफ्ट और अनडायरेक्टेड ड्राफ्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायरेक्टेड ड्राफ्ट के अंदर सारे डायरेक्टेड एजेस और अनडायरेक्टेड ड्राफ्ट के अंदर सारे अनडायरेक्टेड एजेस। क्या एक ग्राफ के अंदर डायरेक्टेड भी और अनडायरेक्टेड भी हो सकती है? हाँ हो सकती है बिल्कुल, बट इस तरह के ग्राफ्स को रेयरली स्टडी किया जाता है, और डायरेक्टेड ड्राफ्ट और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जिसमें सारी की सारी डायरेक्ट एजेस या फिर सारी की सारी अनडायरेक्टेड एजेस होती हैं। तो ये कौन से ग्राफ का एग्जाम्पल था जो मैंने इनिशियली ड्रॉ किया था? वो एग्जाम्पल था अनडायरेक्टेड ग्राफ का, जिसमें सारी की सारी एजेस अनडायरेक्टेड थी। तो ये इनिशियली अनडायरेक्टेड था, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर एक एरो लगा दिया। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से, ये एरो जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, और इसको लेबल कर देता हूँ एज, क्या लेबल करूँगा, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड। मैं इसको लेबल करूँगा अनडायरेक्टेड, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, अनडायरेक्टेड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनडायरेक्टेड ग्राफ, और आशा ये करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर हम इन डिग्री और आउट डिग्री को डिफाइन करते हैं, किसी भी नोड में कितनी एजेस आ रही हैं वो है इन डिग्री, और कितनी एजेस बाहर जा रही हैं वो है आउट डिग्री। बट इन डिग्री और आउट डिग्री को बताने से पहले मैं इसको बना लेता हूँ एक डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ कुछ एरोज़, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये वाला एरो लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं ये वाला एरो लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं ये वाला एरो लगाऊंगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं लगाऊंगा ये वाला एरो। तो मैंने सारे के सारे इसकी जो एजेस थी उनको क्या कर दिया, एरोज़ बना दिया उसमें, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि वन की इन डिग्री कितनी है, कितनी आ रही हैं, इन डिग्री वन की कितनी है, और आउट डिग्री कितनी है, वन, क्योंकि सिर्फ एक एज बाहर जा रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन डिग्री और आउट डिग्री का, आई होप कि आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा फेसबुक का, जो कि ग्राफ ऑफ यूज़र्स होता है, यानी कि बहुत सारे यूज़र्स का ग्राफ होता है। ये एक ग्राफ है, फेसबुक सिंपली एक ग्राफ है, और बहुत सारे यूज़र्स का ग्राफ है, जिसमें बहुत सारे यूज़र्स अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, और प्रोफाइल बनाने के बाद उसके अंदर रिलेशनशिप्स को फेसबुक मॉडल करता है। अब जो यूज़ कर रहे हैं लोग उनको ग्राफ थ्योरी आने की ज़रूरत नहीं है, बट जो फेसबुक है वो इंटरनली ग्राफ थ्योरी का इस्तेमाल करता है। अब मान लो कि यहाँ पर ये कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं, कुछ पीपल हैं, फ्रेंड्स नहीं पीपल हैं, मान लो ये नीतिका है, ठीक है, इसको मैं इसका नाम रख देता हूँ नीतिका, ठीक है, और इसका नाम सम्राट भाई रख देता हूँ, इसका नाम सम्राट रख देता हूँ, ठीक है। ये तो अपने जकरबर्ग भैया हैं, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ जुल्फिकार भाई, ठीक है। और ये कौन है हमारे, ये सम्राट भाई हैं, तो इसका नाम मैं सम्राट रख देता हूँ, और इसका नाम मैं प्रेरित रख देता हूँ, ये प्रेरित करते हैं सबको, प्रेरित, और ये नीतिका है, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सम्राट ने फ्रेंड बना रखा है जुल्फिकार को? हाँ बना रखा है, ये कनेक्टेड है, देखो कनेक्टेड है इसलिए बना रखा है। क्या नीतिका को फ्रेंड बना रखा है जुल्फिकार ने? हाँ ये एक एरो जा रहा है, बना रखा है। क्या नीतिका को फ्रेंड बना रखा है सम्राट ने?
नहीं, सम्राट नीतिका को फ्रेंड नहीं बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सम्राट को ये दिखाया जा सकता है फेसबुक के द्वारा कि नीतिका को रिक्वेस्ट डाल दे। क्या क्या कहेगा फेसबुक सम्राट से? कहेगा नीतिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दे एक। अभी सम्राट डालेगा नहीं डालेगा ये सम्राट के ऊपर है। अब अगर सम्राट सख्त होगा तो हो सकता है नीतिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना डाले, लेकिन अगर सम्राट सख्त नहीं हुआ, पिघल गया, तो नीतिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर डाल देगा, ठीक है। तो ग्राफ्स आर यूज टू मॉडल रिलेशनशिप्स बिटवीन नोड्स, और जो फेसबुक का ग्राफ है वो रिलेशनशिप्स को मॉडल करेगा बिटवीन नोड्स। फेसबुक के लिए नीतिका भी एक नोड है, सम्राट भी एक नोड है, जुल्फिकार भी एक नोड है। अब वी कैन अप्लाई ग्राफ एल्गोरिदम्स टू सजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, या फिर कुछ ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जा सकता है जो कि मे बी बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं दोनों के बीच में, और उनके फ्रेंड्स जो हैं बढ़ सकते हैं। तो फेसबुक कह सकता है कि भाई इनको भी दोस्त बना लो, और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस पूरी वेबसाइट पर, पूरे सोशल नेटवर्क पर फेसबुक इंश्योर कर सकता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफ इंक्लूड रिजल्ट ऑफ अ वेब क्रॉल फॉर अ वेबसाइट। लेट अस से एक वेबसाइट है लाल दंतमंजन.com, ठीक है, दंतमंजन.com, जिसमें कि क्या है कि ये मंजन बेचते हैं बेसिकली, मतलब जो दांत को साफ करता है, ठीक है। कुछ लोग आज भी मंजन पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए है ये। तो क्या होगा यहाँ पर, लाल दंतमंजन डॉट कॉम पर लेटर से 100 पेजेस हैं, ठीक है, और लेटर से CBC.com एक और वेबसाइट है, उसमें 200 वेब पेजेस हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो एक गिवन वेबसाइट के लिए कौन कौन से पेजेस हैं, मान लो इसमें P1, P2, P3 ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। अब क्या P1, P2 को लिंक कर रहा है इंटरनली, क्या P2, P3 को लिंक कर रहा है? होता है ना कभी कभी P1 एक पोस्ट होता है, और उसमें हो सकता है ये लाल दंत मंजन ने कुछ ऐसा लिखा हो कि चेक आउट अवर दिस पोस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेट अस से एक ब्लॉग है जिसने ग्राफ थ्योरी के बारे में लिखा है, और उसने ब्रेड फर्स्ट सर्च के बारे में लिखा है, और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के बारे में भी लिखा है। और जो ब्रेड फर्स्ट सर्च है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको ग्राफ का ABCD भी नहीं आता तो आप लोग ये वाले पोस्ट पर जा सकते हो। तो इस तरह से इंटरनली लिंक्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, तो इसको भी ग्राफ के थ्रू मॉडल किया जा सकता है। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। पूरे एंटायर वर्ल्ड वाइड वेब का एक ग्राफ बनाता है गूगल और अदर सर्च इंजन्स, ठीक है। सिटी के राउट्स बनाता है गूगल मैप। तो ग्राफ की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और बड़े आराम से आप लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर उसको ग्राफ के थ्रू आप लोग मॉडल कर पाओ तो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि ग्राफ्स का क्या रोल है, क्यों यूज़ करते हैं ग्राफ्स को, और ग्राफ्स इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों है सीखना आप लोगों के लिए। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्यों सीखना ज़रूरी है ये आपको पता चल गया होगा बिल्कुल भी। अब आप ब्लैंक नहीं होंगे, ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार ग्राफ अगर सीखें तो क्यों सीखें। आने वाले वीडियोस में हम लोग ग्राफ्स को और अच्छी तरह से देखेंगे, देखेंगे कैसे मॉडल करना है ग्राफ्स को, और फिर उसके बाद ग्राफ्स के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको देखेंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।